हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ ऑल्सो वेलकम टू दिस लाइव मैथमेटिक्स लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। हालांकि हम आखिरी टॉपिक में पहुंच चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 24। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्हाट इज द क्वेश्चन? अ लाइन इज सच दैट सेगमेंट बिटवीन लाइंस। दो लाइन हमें दी गई है, गिवन लाइन्स आर 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड लाइन 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इस तरह से है तो दूसरी लाइन इस तरह से है। कंसिडर दिस इज द लाइन 1 एंड दिस इज द लाइन 2। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1, 5, ऑब्टेन इट्स लाइन इक्वेशन। वन लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन टू लाइन्स एट दिस इज द थर्ड एंड रिक्वायर्ड लाइन मेक्स पॉइंट ए एंड हियर पॉइंट बी एंड देयर मिड पॉइंट इज लाइक P 1, 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 3 जिसका मिड पॉइंट जो है, मतलब सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट है वो 1, 5 है। ऐसी लाइन में चाहिए दोस्तों। चलिए, ये आप समझ रहे हैं, हम क्या कहेंगे? लेट रिक्वायर्ड लाइन intersects to both lines at point A alpha 1 beta 1 and point B alpha 2 beta 2 respectively। line 1 and line 2 को A and B में वो intersect करते हैं। इट मीन्स पॉइंट ए लाई ऑन लाइन 1, ऐसा कह सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए सेटिस्फाइड द इक्वेशन नंबर 1, 5α1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं। इसमें से हम किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड पॉइंट बी लाई ऑन लाइन 2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ 2, 3α2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम बीटा एक्सप्रेस करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 5α1 प्लस 4 इक्वेशन नंबर 3 एंड हियर बीटा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अल्फा 2 डिवाइड बाई 4 इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? बट पॉइंट P 1, 5 इज
midpoint of line segment AB. So coordinate of point P is equal to alpha 1 plus alpha 2 by 2, beta 1 plus beta 2 by 2. Therefore alpha 1 plus alpha 2 upon 2 is equal to 1 and beta 1 plus beta 2 upon 2 is equal to 5. We have one equation alpha 1 plus alpha 2 is equal to 2, equation number 5. But we know very well what is B1. B1 is equal to 5 alpha 1 plus 4. And what is the B2? B2 is equal to 4 minus 3 alpha 2 upon 4 is equal to 2 5s are 10. 4 होगा LCM, 20 alpha 1 plus 16 plus 4, 3 alpha 2 is equal to 14. 20 alpha 1 minus 3 alpha 2 is equal to, ये 20 माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6. सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, 3 2 सा 6, 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 20. दोनों का होगा एडिशन, 23 अल्फा 1 इज इक्वल टू 26, सो अल्फा 1 इज इक्वल टू 2. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 5, अल्फा 1 इज 2 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, देयर अल्फा 2 इज इक्वल टू 0. इसमें अल्फा 2 जो पॉइंट है वो है 0. गुड, हाँ वेरी गुड. मतलब आप सभी समझते हैं. ओके दोस्तों, ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई 23, सो 2 माइनस 26 अपन 23, देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू 20 अपन 23. तो इस तरह से एक पॉइंट हमें मिलेगा, पॉइंट ए, 26 अपन 23, 20 अपन 23. सिमिलरली हम बी पॉइंट बी बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड कर सकते हैं, हालांकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, है ना, उसके बिना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग फ्रॉम ए 26 बाई 23, 20 बाई 23 एंड पॉइंट पी 15. सो इक्वेशन ऑफ इट, वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप क्या होगा? डिफरेंस इन y 20 अपन 23 माइनस 5 डिवाइड बाय 26 बाय 23 माइनस 1 इनटू x माइनस 1.
So y minus 5 ओके ओके रॉन्ग हो गया दोस्तों। चलो फिर से आपने मुझे पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमें पॉइंट ए नहीं मिलेगा, गुड। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम पॉइंट चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट अल्फा वन एंड अल्फा टू इन अल्फा वन एंड अल्फा टू किस इक्वेशन में डालेंगे हम, थ्री एंड फोर में। इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर, व्हाट इज द बीटा वन, बीटा वन इज इक्वल टू फाइव इंटू 26 बाय 23 प्लस फोर, फाइव अल्फा वन प्लस फोर इज इक्वल टू 222 अपॉन 23। तो एंड बीटा टू इज इक्वल टू, बीटा टू किससे मिलेगा तो फोर माइनस थ्री अल्फा टू 20 अपन 23 डिवाइड बाय 4। इस तरीके से हमें बीटा टू मिलेगा, लेकिन बीटा टू की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर पॉइंट ए अल्फा वन बीटा वन 26 बाय 23 222 अपॉन 23 एंड पॉइंट ए सॉरी पॉइंट पी 15। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए पी कहेंगे तब भी चलेगा, ए बी कहेंगे तब भी चलेगा। वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप डिफरेंस इन वाई डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्स 26 अपॉन 23 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 1। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। दोस्तों इनको सब सुलझाएंगे, है ना, 23 तो आफ्टर एलसीएम कैंसिल ही होगा। वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 222 माइनस 115 अपॉन 26 माइनस 23 इंटू एक्स माइनस 1 एंड फाइनली वी गेट इक्वेशन 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज दिस। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर हैं, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर है यहाँ तक, हेलो डियर फ्रेंड्स। वाचा कार्तिक पाचा ऋषि मेहंदी जश यश नील तनीषा ओके दोस्तों
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी फाइव की ओर. शो दैट बोथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स बी इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले हम ये कहेंगे लेट पॉइंट पी, जो भी हम नाम देना चाहें, एच के इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ax1 by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला है यहाँ पर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए वन एक्स वन बी वन वाई वन प्लस सी वन अपन अंडर रूट ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर. मॉड्यूलस ऑफ ए, ए मीन्स थ्री, थ्री एच माइनस टू के माइनस फाइव अपन अंडर रूट थ्री स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर. थ्री एच प्लस टू के माइनस फाइव अपन अंडर रूट थ्री स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर. कैंसल एंड कैंसल द मॉड्यूलस. देयरफॉर थ्री एच माइनस टू के माइनस फाइव प्लस और माइनस थ्री एच प्लस टू के माइनस फाइव. थ्री एच माइनस टू के माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एच प्लस टू के माइनस फाइव और थ्री एच माइनस टू के माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री एच माइनस टू के माइनस माइनस प्लस फाइव. टू के प्लस माइनस कैंसल यहाँ पर थ्री. अच्छा ये गलती हो गई दोस्तों, ये माइनस टू के और ये प्लस टू के. सबसे पहला तो माइनस फाइव कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑल्सो कैंसल. फोर के इज इक्वल टू जीरो देयर फोर के इज इक्वल टू जीरो. टू के, टू के कैंसल हियर. सिक्स एच इज इक्वल टू टेन, एच इज इक्वल टू टेन बाई सिक्स मीन्स फाइव अपॉन थ्री. के मीन्स वाई को ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एंड एच इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री इज एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट पॉइंट. सो वी कैन से दैट दस द पॉइंट एच के सेटिस्फाइड द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री और वाई इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर नथिंग बट स्ट्रेट लाइन्स. हेंस पाथ ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन टू लाइन्स इज अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर पाथ ऑफ द पॉइंट
path of the point equidistant from two lines. Is a straight line. चलिए क्लियर, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों. चलो क्लियर दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है. गुड. नाउ इन एक्सरसाइज 10 एग्जाम्पल नंबर 4. Example number 4. What are the points on y-axis? See, what are the point on y-axis whose distance from given line is something? What are the points on y-axis? Let point A, 0, B on y-axis. y-axis पर होने के कारण x कोऑर्डिनेट भी 0, बट y कुछ भी हो सकता है, तो y कोऑर्डिनेट में लिया b. whose distance from line x upon 3 y upon 4 is equal to 1 is 4 unit. लाइन और ये जो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है. 4x plus 3y minus 12 is equal to 0, ये होगा इक्वेशन. therefore डिस्टेंस की फॉर्मूला ये है, मॉड्यूलस ऑफ 0, 4 इंटू 0, 3 इंटू बी माइनस 12 डिवाइड बाई अंडर रूट 4 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन 4 यूनिट. 4 इंटू 0 0, 3 बी माइनस 12 का मॉड्यूलस रहेगा अपन 5 इज इक्वल टू 4. 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20 होगा. ये 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 20. 3b इज इक्वल टू 32. b इज इक्वल टू 32 अपन 3. ये b मिला हमें. और यदि माइनस लेते हैं 3b माइनस 12 इज इक्वल टू, एक बार हमने प्लस 20 लिया 5 और 20, दूसरी बार लेंगे हम माइनस 20. सो
So 3b is equal to minus 12, b is equal to minus, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, माइनस 8 होगा ये, माइनस 8 बाई 3 होगा ये, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट माइनस 8 बाई 3 और x 0, y कोऑर्डिनेट 32 डिवाइड बाई 3, ये होंगे आंसर्स। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से, चलिए दोस्तों क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। आगे एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग गिवन टू पॉइंट्स। दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू lines cos theta sin theta and cos phi sin phi is दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमें फाइंड करनी है, तो इक्वेशन होगा y माइनस sin theta डिवाइड बाई एक्स माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्लोप, या तो फिर हाँ ये भी चलेगा, इज इक्वल टू स्लोप डिफरेंस इन वाई साइन फाइव माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। एक्स इंटू कॉस थीटा हम यहाँ ला सकते हैं, यहां से निकाल कर ये कर सकते हैं। चलिए बराबर s माइनस s की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहां पर इज इक्वल टू 2cs 2 क्लॉस 5 प्लस थीटा अपन 2 इंटू साइन फाइ माइनस थीटा अपन टू डिवाइड बाई सी माइनस सी 2sc माइनस 2 साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन फाइ माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू कैंसल, ऑल्सो टू टू कैंसल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर वाई इंटू माइनस से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आप ठीक समझे,
प्लस से करेंगे तो माइनस हमें यहाँ रहने देना होगा। चलिए प्लस से ही लेते हैं, तो y इंटू साइन फाइव प्लस थीटा अपन टू माइनस साइन थीटा इंटू साइन इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू। माइनस अंदर जाएगा तो ये जो लास्ट साइन होगी वो होगी पॉजिटिव। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो कॉस इंटू फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू वाई। माइनस कॉमन लेंगे हम, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस थीटा अपन टू। माइनस कॉमन ले सो तो ये हो जाएगा प्लस, ये कॉस की फॉर्मूला होगी। देखिए दोस्तों, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फाइव प्लस थीटा, अच्छा उसमें माइनस लेना है, थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा बाई टू। सो फाइनली इक्वेशन इज एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू वाई इंटू साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू माइनस कॉस टू थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये होगा इक्वेशन। चलिए अब हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ओरिजिन, देयरफॉर फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्मूला होगी। मॉड्यूलस ऑफ दिस इज द ए, एक्स वन इज जीरो, बी वन इज ऑल्सो, वाई वन इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं एक्स वन वाई वन जीरो जीरो होते हैं। मॉड्यूलस सी मीन्स माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मीन्स कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस थीटा बाई टू एंड प्लस साइन स्क्वेयर फाइव प्लस थीटा बाई टू। ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू होगी वन, तो आंसर रहेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपन टू, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर माइनस साइन है, याद रखिएगा दोस्तों ये साइन माइनस है यहाँ पर,
तो माइनस ही वैल्यू आएगी, थीटा माइनस फाइव अपन टू, ये होगा आंसर। हेलो दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर है? ये हम लेंगे मॉड्यूलस के अंदर ही। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन मेथड सिंपल है दोस्तों, लॉन्ग है लेकिन स्वीट है। चलिए दोस्तों, क्लियर, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए एग्जाम्पल नंबर सिक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिए, हमें जो लाइन फाइंड करनी है विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पॉइंट। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ की वन लाइन्स, पहली जो लाइन दी गई है वो एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू टू फाइंड देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसका हम नाम देंगे ए, कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे तो। चलिए, तो एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसे हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस, सॉरी कोई साइन चेंज नहीं करनी है, दोनों को ऐड ही करना है क्योंकि ऐड करने से सब्ट्रैक्शन ही होगा क्योंकि इन दोनों का ऑपोजिट साइन है। 22x इज इक्वल टू माइनस फाइव, इस फाइव को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो होगा माइनस फाइव, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन 22। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर टू, थ्री इंटू माइनस फाइव अपॉन 22 प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 अपॉन 22, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट माइनस फाइव अपॉन 22, y कोऑर्डिनेट 15 बाई 22। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing from it end parallel to y axis, जो भी लाइन y axis से parallel हो उसका इक्वेशन होगा y is equal to
constant. Y is equal to constant also this line passing from the intersecting point जिसका y कोऑर्डिनेट सॉरी x इज कांस्टेंट है ना, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है तो वर्टिकल लाइन है, तो जिसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, सो x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड हियर x इज इक्वल टू, तो ये जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो पॉइंट a में से पास होती है जिसका x कोऑर्डिनेट माइनस फाइव अपॉन 22, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ required line is equal to x is equal to minus pi upon 22 or 22x plus pi is equal to 0, दोनों का मतलब सेम ही है। दोस्तों क्या आप सभी क्लियर हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कह सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिनल सॉरी ओरिजिन है ना ओरिजिन एंड मेकिंग इन एंगल थीटा विथ द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझना है अच्छी तरह से दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे सबसे पहले हियर गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स एंड इट्स स्लोप एम वन इज इक्वल टू एम एंड लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू एम टू एज्यूम करते हैं एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा एंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज थीटा, वी नो वेरी वेल, सो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ये है फॉर्मूला। चलो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला व्हाट इज एम वन, एम वन इज इक्वल टू एम एम टू एज इट इज अपॉन वन प्लस एम इंटू एम टू, सो वी कैन से दैट एम माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस टेन थीटा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m माइनस एम टू अपन वन प्लस एम इंटू एम टू इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर m माइनस एम टू इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस m इंटू एम टू 10 थीटा। इनको एडजस्ट करेंगे m माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू m2 कॉमन 1 प्लस m 10 थीटा रहेगा, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू व्हाट m माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस m 10 थीटा, m माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा, इसे इक्वेशन वन कहेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन m माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम एम टू इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा,
by cross multiplication m minus m2 is equal to minus 10 theta minus 10 theta m1 into m2. चलिए क्लियर है ये. चलो वंस अगेन m plus 10 theta m2 common 1 minus m 10 theta. Therefore m2 is equal to m plus 10 theta divided by 1 minus m 10 theta. इक्वेशन नंबर टू कहेंगे. एम टू हमें मिल चुका है यहाँ पर. दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एम टू क्या होगा, एम टू इज इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा है या प्लस थीटा, तो एम प्लस और माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस प्लस m 10 theta. The slope of the required line is m2. Equation of line which is passing through origin. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, but line having slope m2 is passing from origin. Therefore, its equation y minus y coordinate is equal to slope क्या होगा, slope होगा m2 into x minus x0, x0 which is 1, y minus y0, y0 is equal to 0, y is equal to, and what is m2? m2 is equal to m plus or minus 10 theta divided by 1 minus or plus m 10 theta into x. Therefore, y upon x is equal to m plus or minus 10 theta divided by 1 minus or plus m 10 theta. Hello dear friends, क्या आप सभी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आप समझ सकते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों. दोनों ही कंडीशन हमने ये कंसीडर की है. तो आज के सेशन का ये लास्ट एग्जांपल था, आप इसे दोबारा देखिए और दोबारा प्रैक्टिस करिए दोस्तों. ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच.